टेस्ट 6 और इस सेशन में हमारा चर्चा का विषय रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों हम लोग मानव पाचन तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन नंबर 74 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एक सीरीज के रूप में सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए यदि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यदि बात करते हैं हम लोग मानव पाचन तंत्र की, तो उसमें कौन कौन सा अंग, कौन कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स आता है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें ये नीचे देखिए, ये है रेक्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग मलाशय कहते हैं या मल नाली कहते हैं या गुदा कहते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका रेक्टम यानी मलाशय, मल नाली, गुदा आता है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये देख रहे हैं ये भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कि हम लोग हिंदी में बड़ी आंत भी कहते हैं। और आप देखेंगे ये जो भाग देख रहे हैं अत्यंत कुंडलित है, देख रहे हैं, इट इज हाईली क्वाइल्ड एरिया, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत कहते हैं। फिर आपका ये भाग जो देख रहे हैं, ये भाग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज और हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। फिर आप आगे देखिए कि फिर ये भाग, अब आप हम लोग देखते हैं अगली भाग, इसको देखिए, ये है आपका लीवर, जिसको कि हिंदी में हम लोग यकृत यानी लीवर के साथ, लीवर विथ गॉल ब्लैडर या यकृत और पित्ताशय, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर आप देख रहे हैं ये भाग, इसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस या इसोफेगस इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम लोग अन्न प्रणाली भी कहते हैं, इसको ग्रास नली भी कहते हैं। फिर आगे चलिए, फिर ये देखिए, ये भाग देखिए, इसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी हिंदी में कहा जाए तो उसको लार ग्रंथियां कहते हैं। ये भाग है आपका सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां, इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक भाग है जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों में कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा है ये देखिए, ये भाग, ये वाला भाग देखिए, ये पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड या हिंदी में कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथि। और ये भाग देख रहे हैं, ये भाग, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सब लिंगुअल ग्लैंड या हिंदी में इसको कहते हैं अवजिह्वी ग्रंथि। तो ये तीनों भाग है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सब सारा भाग जो है आपके सैलेवरी ग्लैंड्स का भाग है। तो जब भी हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट की हम लोग बात करते हैं। फिर सैलेवरी ग्लैंड की जब भी हम लोग बात करें तो फिर हम लोग बात करते हैं मुख की, ये है आपका मुंह, जिसमें कि टीथ है, जिसमें कि आपका दांत है, जिसमें आपका जीभ है, मस्कुलर टंग है ना, और यहीं पे आपका खाना आता है और खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो अब देखिए कि जहां हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका शुरू होता है, मानव पाचन तंत्र शुरू होता है मुख से, जहां पे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर वो दूसरे भाग में जाता है, जिसको कि हम लोग सैलेवरी ग्लैंड कहते हैं, यानी मुख में सैलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों से खाने को मिलाया जाता है, उसका विघटन होता है। फिर ये जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस यानी अन्न प्रणाली में या ग्रास नली में। फिर ये अन्न प्रणाली या इसोफेगस से जाता है या आपके स्टमक में यानी अमाशय में,
और अमाशय से आपका जाता है ये, अमाशय से जाता है ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम या मलाशय के द्वारा शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो आज हम लोग इसी पार्ट पे, पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही आज हमारा चर्चा है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाई द फूड इज वेटेड इन द माउथ, हिंदी में खाना मुंह में क्यों गीला किया जाता है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र में, तो आप भी जानते हैं कि खाना पहले मुंह में लिया जाता है, और मुंह में आप देखिएगा अल्टीमेटली खाना छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, जिसको कि आप इंग्लिश में बोलस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ग्रास और कॉर, है ना, एक कॉर खाना, दो कॉर खाना, इसको इंग्लिश में बोलस बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाई द फूड इज वेटेड इन द माउथ, इसलिए टू मेक द पैसेज ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल सॉफ्ट। देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी आपका जो ओसोफेगस है, जो आहार नाल है, जो कि मुंह से लेके गुदा तक, जो कि आपके माउथ से ओसोफेगस से लेके आपके रेक्टम तक जाता है, वो उसका जो अंदर का लाइनिंग होता, अस्तर जो होता, वो काफ़ी कोमल होता है, तो खाना को काफ़ी मुलायम बना दिया जाता है, और काफ़ी फूड को स्मूथ बना दिया जाता है, ताकि वो आराम से रेगुलेट हो नीचे तक, हर एक स्टेज पे वो नियंत्रित हो और उसका पैसेज काफी आराम से हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाई द फूड इज वेटेड इन द माउथ, ए ऑप्शन, टू मेक द पैसेज ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल स्मूथ। व्हाई द फूड हैज टू बी मेड स्मूथ इन द एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट। यदि फूड रफ होगा तो पूरा लाइनिंग जो है आपका खरोच हो जाएगा उसमें, है ना, It will wear and tear will take place. तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही ऑप्शन है ए, खाना मुख में क्यों गीला किया जाता है, तो आहार नाल में भोजन के मार्ग को सुचारू बनाने के लिए, इसलिए कि आहार नल जो है उसकी अस्तर काफी कोमल होती है, और खाना मुलायम होगा तब वो आसानी से आहार नाल में ये जा सकेगा। तो 75 का सही ऑप्शन है ए। देखिए, पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि खाने को मुंह में लिया जाता है, है ना। देखिए, खाने को मुंह में रखा गया, इससे होता क्या है ये भी देखिए, ये जीव भी है, ये भी खाने को मुंह में लिया है, अब होता क्या है इसमें। खाने में दो तरीके का पाचन, यानी आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है, जो पाचन का प्रणाली है, वो शुरू हो जाता है आपके मुंह से ही, ब्यूकल कैविटी से ही, मुख से ही, माउथ से ही चालू हो जाता है। तो क्या होता क्या है इसमें, जो माउथ में जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग दो तरीके का डाइजेशन कहते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन यांत्रिक पाचन, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन यांत्रिक पाचन, सॉरी रासायनिक पाचन। तो मुख में दो तरीके का पाचन होता है, एक होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, ये दोनों माउथ में ही चालू हो जाता है। अब देखिए, अब आप ये चित्र देखिएगा, तो ये भाग देखिए, इसको देखिए, ये है आपका फ्रंटल टीथ यानी आगे का दांत, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है आपका टंग, ये है आपका जीव, ये जो जीव है ये क्या है, ये मस्कुलर टिश्यू है, ये आपका पेशीय उत्तक है, जो टंग है, जो जीव है, ये पेशीय उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू है, और इसी टंग में आपका टेस्ट बड होता है, खाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आप देखेंगे कि आपके
मुख में ये दांत और टंग के अलावा आप देखिए ये टंग जो है जीभ जो है ऊपर नीचे ये मूवमेंट कर रहा है। ये ऊपर नीचे मूवमेंट करने से क्या हो रहा है, जीभ जब ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा तो जो खाना है वो पूरे मुख में ये घूमेगा और साथ में दांत उसको तोड़ती है ना, साथ में दांत उसको तोड़ रही है और जीभ जो है पूरे मुंह में जो है उसको घुमा रही है। तो पूरे जीभ में जो खाना को घुमाने से क्या होता है कि एक सैलेवरी ग्लैंड से आपका जो है लार ग्रंथियां जो है उससे जो है लार निकलती है, उसको वेट करता है, उसको वो मुलायम करता है, गीला करता है। और देखिए आगे क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट हुआ, अब आपका खाना आया, खाना मुख में आया तो दो आपके दांत हैं, ये आपका मस्कुलर टंग है ना, ये आपका पेशीय जीभ है जिसमें कि टेस्ट बड भी है, आपका स्वाद कलिकाएं हैं। स्वाद कलिकाएं का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि जैसे ही आप खाना सूंघिएगा भी, खाना सूंघिएगा भी तो ये जो लार ग्रंथि है, ये जो आप देख रहे हैं लार ग्रंथि, ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वहां से जो है सलीवा का सिक्रीशन चालू हो जाता है, लार का जो है वो स्राव चालू हो जाता है। और जो लार का स्राव जब चालू हो जाता है तो खाना जो है वेट होने लगता है। अब देखिए कि जैसे ही आप खाने के बारे में सोचे है ना, खाने के बारे में सोचे और खाना मुंह के सामने आया, सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा जो सिक्रीशन, देखिए सिक्रीशन चालू हो गया। कहने का मतलब है कि आप खाने के बारे में सोचे कि खाना खाना है और खाना खाने लगे, जैसे ही खाना खाने के बारे में सोचे सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और उसमें से लार निकलने लगता है, सलीवा निकलने लगता है। और ये सलीवा है क्या, ये लार है क्या, ये सैलिवरी एमिलेज है, सैलिवरी एमिलेज है, सैलिवरी एमिलेज है ना, ये लार एमिलेज है क्या, ये एक तरह का एंजाइम है, एक तरह का ये जैविक उत्प्रेरक है। ये करता क्या है कि जो बड़े बड़े खाने का जो टुकड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। और ये फूड है क्या आपका, ये जो खाना है, जो खाना जैसे ही आप खाते हैं तो उसमें से स्टार्च रहता है। स्टार्च क्या है, ये बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो स्टार्च होता है, बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट, ये जो सैलिवरी एमिलेज है, ये जो आप सैलिवरी एमिलेज देख रहे हैं, सैलिवरी एमिलेज इसको तोड़ देती है सिंपल शुगर में, ये आपके जो है सरल चीनी में इसको ये तोड़ देती है। तो आप देखिए कि आपका जो खाना है, आपका जो खाना है दांत के माध्यम से उसका छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है, ठीक है, दांत के द्वारा जो छोटा छोटा टुकड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। फिर आपका सलीवा सिक्रीट हो रहा है, आपका लार जो है स्रावित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का बड़ा बड़ा जो रूप है, बड़ा बड़ा टुकड़ा है, वो स्टार्च जो है छोटे छोटे सिंपल शुगर में, छोटे छोटे सरल चीनी में, शर्करा में ये कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रासायनिक पाचन यानी केमिकल डाइजेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि मुख में आपका, मुख में ही पाचन चालू हो जाता है और दो तरीके का पाचन होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन जो कि दांत और जीभ के द्वारा होता है, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, रासायनिक पाचन जो आपके सैलिवरी एमिलेज से, जो आपके सलीवा से ये होता है। तो आशा है मुख वाला पार्ट आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। ये देखिए, ये है आपका माउथ, ये पार्ट जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड सैलिवरी। ये क्या होता है कि कान के सामने होता है। ये जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग सैलिवरी डक्ट कहते हैं, एक तरह का नाली है। और ये है आपका टंग, मस्कुलर टंग
जिसमें कि आपका स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिसमें कि आपका टेस्ट बड होता है, ये मस्कुलर टिश्यू है, राइट। और ये क्या करता है कि च्यूइंग के समय जब खाना को आप चबाते हैं, उसको पूरे मुंह में ये जीभ जो है खाना को घुमाता है। ये है आपका दांत, ये पोर्शन जो है ये है आपका दांत। ये दांत क्या करता है, ये खाना को तोड़ता है और उसको जो है चिकना बनाता है, इसकी पिसाई कर देता है, इसको ग्रिंडिंग कर देता है। खाना को दांत क्या करता है, खाना को तोड़ देता है और उसको चिकना बना देता है, खाना को ग्रिंड करता है और उसको जो है कट और ग्रिंड करता है, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन, देखिए ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपका पोर्शन है यहां से, ये आपका टीथ का पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन। और ये पोर्शन इसको देखिए, ये है आपका सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग अवजीवी सेलेवरी ग्रंथि कहते हैं। और ये जो है जीभ के नीचे होता है, एक पैराटोइड सेलेवरी ग्लैंड होता है जो आपका दिस लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईयर, एक कान के सामने होता है। दूसरा सेलेवरी ग्लैंड यहां होता है जो कि जीभ के नीचे, टंग के नीचे होता है, उसको हम लोग सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में इसको अवजीवी लार ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा आपका यहां पे है ना, ये काफी मुंह के नीचे रहता है, इसको हम लोग सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर जो है आपका लार ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो ये होता है आपका खाने का बनावट। जैसे ही खाना के बारे में आप सुनते हैं तो कहते हैं ना मुंह से पानी आना, मुंह से पानी आया, हम दिखा रहे कोई, तो मुंह से पानी आ जाता है। तो दो तरीके का पानी आता है, जो सलीवा है, मुंह से पानी आना का मतलब क्या, सलीवा लार निकल रहा है। तो दो तरीके का सलीवा होता है, एक होता है म्यूकस, है ना, एक होता है म्यूकस, म्यूकस यानी श्लेष्म टाइप का, और दूसरा होता है सेरस सलीवा, दूसरा होता है सेरस सलीवा। ये करीब करीब पूरा पानी होता है। और जहां आप खाना के बारे में सोचे, ये जो है पूरा ये सेरस सलीवा जो है पूरे मुंह में आपका भर जाता है और ये खाना को गीला बना देता है। चलिए इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं डिस्कशन के आधार पे। Who waters the food in the mouth? भोजन को मुंह में कौन सींचता है? सलीवा सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। 76 का ए, भोजन को मुंह में कौन सींचता है? तो लाला ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस, लाल रस या लार। 76 का सही ऑप्शन ए, 76 का है सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77। The food is absorbed by the alimentary canal only when the food is, आहार नाल द्वारा तभी अवशोषित किया जाता है जब भोजन होता है, कैसा होता है। कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली मुंह का काम क्या है, what is the function of the mouth, हम लोग पाचन के digestion के संदर्भ में देख रहे हैं। तो खाने को इस तरह से तैयार करना ताकि वो आहार नल में, ओसोफेगस में जा सकता है। और कंप्लेक्स फूड मटेरियल जो है बड़े बड़े टुकड़े, आप क्वेश्चन नंबर 75 में देख चुके हैं कि बड़े बड़े टुकड़े आहार नल ओसोफेगस में नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 उसी पे है कि द फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट्री कैनाल ओनली व्हेन द फूड इज टर्न्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो खाने के छोटे छोटे, जब खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलस कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसका डायग्राम भी, जिसको हम लोग बोलस कहते हैं, हिंदी में ग्रास या कौर कहते हैं, कि जब खाने छोटे छोटे टुकड़े कौर में बदल जाते हैं तभी वो तैयार होता है आहार नाल में जाने के लिए। तो 77 का सही ऑप्शन है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आहार नाल द्वारा तभी भोजन अवशोषित किया जाता है जब भोजन छोटे अणुओं में खंडित होता है। तो 77 का सही ऑप्शन है बी।
अब क्वेश्चन नंबर 78, हु ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हम लोग अभी भी हम लोग माउथ की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग मुंह में ही हैं, ठीक है। तो जटिल खाद्य पदार्थ को छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स, जैविक उत्प्रेरक जिन्हें एंजाइम कहा जाता है, यस ये सही है। सैलेवरी एमिलेज दैट इज कंटेन्ड इन द सलीवा, लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है, माने जो आपका स्टार्च है उसमें माल्टोज जो है उसको विघटित कर देता है और बन जाता है सिंपल सुगर। तो क्वेश्चन नंबर 78 की मुंह में माउथ में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कौन करता है? तो सलेवरी एमिलेज दैट इज कंटेन्ड इन द सलाइवा। तो बी ऑप्शन 78 का बी ऑप्शन सही है, और ए जो है आपके नॉलेज के लिए है कि ये सलेवरी एमिलेज क्या है, ये कैटलिस्ट है और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो 78 को हिंदी में चलते हैं, डिस्कस करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ को छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है? तो लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। अब सवाल उठता है, 78 का ये बी ऑप्शन सही है, लेकिन यदि आप अपने समझने के लिए कि लार एमाइलेज है क्या, तो ये एक जैविक उत्प्रेरक है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो 78 का सही ऑप्शन है बी, ये है आपका लार, ये है आपका सलीवा, ये देख रहे हैं ये है सलीवा, ठीक है। सलीवा ये सलेवरी एमिलेज है ना, लार एमिलेज है जिसमें स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट का बड़ा बड़ा रूप, और इसको ये छोटे छोटे सिंपल सुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, देख लिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलेवरी एमिलेज इन द बकल कैविटी, मुख गुहा में लार एमिलेज का क्या कार्य है? स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सुगर। 79 का सही ऑप्शन है बी, मुख गुहा में लार एमिलेज का क्या कार्य है? स्टार्च सरल शर्करा में विघटित हो जाता है। तो 79 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टंग, पेशीय जीभ का क्या कार्य है? इट मूव्स द फूड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग, जब आप खाना चबाते रहते हैं तो खाने को पूरे मुंह में ये घुमाता है। पेशीय जीभ का क्या कार्य है? ये चबाते समय भोजन को मुंह के चारों ओर घुमाता है। तो 80 का सही ऑप्शन है ए, 80 का सही ऑप्शन है मुख को, ये जीभ जो है मुख के चारों तरफ खाना को जीभ के मदद से ये घूमता है, देखिए इस तरह से ये घूमता है। अब क्वेश्चन नंबर 81 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमांकुंचन गति हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब हम लोग खाना जो है इसका पहला केमिकल डाइजेशन यानी स्टार्च सिंपल सुगर में कन्वर्ट हो गया, और बड़े बड़े टुकड़े जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल छोटे छोटे कोर में ये ट्रांसफर हो गए। अब खाना तैयार होकर चला जाता है ओसोफेगस में, आहार नाल में, ठीक है, ये खाना तैयार होकर चल जाता है आहार नाल में ओसोफेगस में, और ओसोफेगस में ही एक मूवमेंट है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ध्यान से इस शब्द को देखिए,
हिंदी में इसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। अब हम लोग जरा ओसोफेगस में या इसोफेगस में या आहार नाल में या ग्रास नली में क्या खाने का स्थिति होता है, खाना कैसे इसका गति होता है, उसको जरा हम लोग समझेंगे। देखिए, खाना आपका मुंह में गया, दांत उसको तोड़ रही है, चबा रही है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही मुख में खाना गया, अब खाना जो है आपके मुख में, एक बार फिर से देखिए, खाना आपके मुंह में गया, दांत तोड़ रही है ना, एक मैकेनिकल डाइजेशन चालू हो गया, एक आपका यांत्रिक पाचन चालू हो गया, फिर सलीवा भी सिक्रीट होने लगी, सलीवा भी जो है एक्टिवेट हो गई। और सलीवा जब एक्टिवेट होती है तो यहां पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यहां पे एक पाचन एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमिलेज। और एमिलेज क्या करती है, ये खाने का जो कार्बोहाइड्रेट है, खाना में जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको ये स्प्लिट कर देती है, इसको विघटित कर देती है। और विघटित करने के बाद क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो विघटित हुई एमिलेज इसको गई और ये स्टार्च को, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर दी। एक बार फिर से देखिए, एक बार आप इसको फिर से देखिए कि मुंह में जो केमिकल, जो केमिकल आपका, केमिकल आपका जो प्रोसेस है, केमिकल माउथ में एमिलेज एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, ये कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर देती है। देखिए, ये है एमिलेज, ये है कार्बोहाइड्रेट, है ना, बड़ा बड़ा ये गोला है, और एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर रही है, स्प्लिट कर रही है, और स्प्लिट करके ये छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बोलस। ये देखिए, ये जो खाना जो है स्प्लिट होके छोटा टुकड़ा हो गया, इसको कहते हैं हम लोग बोलस, है ना। और ये जीभ के मदद से थ्रोट में जाता है, और थ्रोट से फिर आपका ये है ओसोफेगस, ये है आपका आहार नाल, है ना। देखिए, ये जीभ के मदद से ये आहार नाल में ये जाता है। अब आहार नाल में जा रहा है तो इस मूवमेंट को देखिए, इस मूवमेंट को देखिए, ये थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे होता। देखिए इसको मूवमेंट को यदि आप गौर से देखिएगा, ये देखिए, ये पचक रहा है फिर फूल रहा है, पचक रहा है फूल रहा है, ये देख रहे हैं, पचक रहा है फूल रहा है, पचक रहा है फूल रहा है, ऐसा क्यों, यही हम लोग को क्वेश्चन में आंसर करना है, जो हम लोग बात किए थे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या हिंदी में क्रमाकुंचन गति। अब जो है ये आपका जो आहार नाल है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जो ओसोफेगस है, इसके ओपनिंग को, इसके जो द्वार को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, इसके द्वार को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन, है ना। ये जो द्वार है ये ल्यूमेन है, ये काफी लचीला है ना, ये फ्लेक्सिबल है, मोटा कोर छोटा कोर को ये एडजस्ट कर लेता है, इसमें काफी परत है, ये देखिए काफी परत से ये आपका आहार नल बना हुआ है, इसमें काफी परत है, तो इट हैज सेवरल लेयर्स। अब जो इसका जो सबसे ऊपर का दो लेयर है, ये सबसे ऊपर का जो दो लेयर है ल्यूमेन में, यानी खाना आपका आहार नाल में ओसोफेगस में गया, इसके ओपनिंग को हम लोग, इसके ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, इसके जो जो प्रवेश द्वार है उसको कहते हैं ल्यूमेन, और ये जो ल्यूमेन है काफी फ्लेक्सिबल है, काफी ये लचीला है, और आप देखिए कितने परत का ये बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने सेवरल लेयर्स का ये बना है, ये कितने परत का बना हुआ है। लेकिन जो सबसे ऊपर का दो परत है, यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, यानी क्रमाकुंचन गति के लिए ये जिम्मेवार है, इसी के कारण क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब देखिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या, है ना, खाना यदि गया तो उसको दबा दबा के, जैसे टूथपेस्ट को कैसे दबा दबा के आप उसके मुख पे पेस्ट को लेकर, देखिए आपके आहार नल में इस तरह का मूवमेंट होता है,
आपके आहार नल में जो खाना को नीचे, यदि आप सीधे भी खड़े हैं, खाना खा के आप सीधे भी खड़े हो गए, तो आपका जो ओएसोफेगस है, जो ग्रास नली है, उसमें आपका इस तरह का मूवमेंट होगा। ये दबेगा, खाना नीचे जाएगा, दबेगा, खाना नीचे जाएगा, इस तरह का मूवमेंट होता। आप देखिए, ये है खाना, आप खाना खा लिए, अब ये नीचे, यानी इसको जाना है अमाशय तक, इसको जाना है स्टमक तक, तो इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण खाना जो है आपका स्टमक तक, आपका खाना जो है अमाशय तक पहुंचता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है ओसोफेगस पे, ओसोफेगस का क्वेश्चन करेंगे, वहां पे कैसे कैसे मूवमेंट होता है, फिर अगला सेट जो क्वेश्चन होगा स्टमक पे होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। अब आप डिस्कशन देख लिए, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इन द ओसोफेगस एंड द फूड पाइप। आप देखिए, ये दबता है फिर रिलैक्स होता है, तो खाना जो है नीचे स्टमक की ओर घूमता है, तो ए सही है। एज अ रिजल्ट द फूड, एज अ रिजल्ट, ये इज नहीं होना चाहिए, द होना चाहिए, एज अ रिजल्ट, ये आपका गलत है, एज अ रिजल्ट द फूड, एज अ रिजल्ट द फूड इज फोर्स डाउन द ट्रैक टू द स्टमक। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ओसोफेगस का या फूड पाइप का, उसके कारण क्या होता है, फूड जो है खाना नीचे की तरफ जाता है, तो ये भी सही है। एज अ रिजल्ट द फूड इज फोर्स डाउन द ट्रैक टू द स्टमक। द मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री, ये आपके मर्जी पे नहीं चलता है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है, चाहे आप सोते रहे, जागते रहे, खड़े रहे, दौड़ते रहे, ये मूवमेंट चलेगा। तो 81 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्रमाकुंचन गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आहार नाल और भोजन नली में भोजन के संकुचन और विश्रांति को संदर्भित करता है, मतलब पाइप आहार नल संकुचित हुआ फिर रिलैक्स हुआ, है ना, इसको विश्रांति कहते हैं, इससे क्या होता है खाना नीचे नीचे जाता है, तो आपका ए सही है। नतीजतन भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा अमाशय में जाता है, सही है, ये गति अनैच्छिक है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो 81 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प, 81 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, ये देखिए यही है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 82, वेयर डज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकस, क्रमाकुंचन गति कहां होती है, ये सब जगह होता है, जब ओसोफेगस से स्टमक जाता है, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम तक आता है, सब जगह ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो 82 का सही ऑप्शन है ओसोफेगस एंड फूड पाइप सही है, स्टमक एंड बॉवल्स ये भी सही है, एनस ये भी सही है, तो सही ऑप्शन 82 का डी। क्रमाकुंचन गति कहाँ होती है, भोजन ग्रसिका या इसोफेगस में, पेट और आंत में, गुदा में, सभी विकल्प, तो 82 का है सही ऑप्शन ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, व्हाई डू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स, ये जो हम लोग क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देख रहे हैं होता क्यों है, टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैटर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। देखिए आपका जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो आहार नल है, उसको हर एक स्टेज में, मनो ओसोफेगस से लेके स्टमक, स्टमक से लेके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम, ताकि फूड का हर एक स्टेज पे डाइजेशन हो सके और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाए, तो इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, इट हैज टू बी रेगुलेटेड, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने का पहला कारण यही है। फूड विल बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इफ इट मूव्स इन अ रेगुलेटेड मैनर,
यदि आप देखिएगा आगे हम लोग डिस्कशन में देखेंगे कि ओसोफेगस स्टमक खाना जो है छोटे छोटे टुकड़े में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में तुरंत खाना नहीं चला जाता सारा, छोटे छोटे पोर्शन में जाता है। तो छोटे छोटे पोर्शन में हर एक स्टेज में रेगुलेट होता है ना। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स डेट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ये तथ्य सही है लेकिन क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर नहीं है। ये तथ्य सही है, दिस इज द करेक्ट फैक्ट बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो 83 का सही ऑप्शन है ए, 83 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्रमाकुंचन गति क्यों होती है? भोजन का नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यदि भोजन एक विनियमित रूप से चलता है तो पाचन तंत्र के प्रत्येक भाग में ठीक से संसाधित किया जाएगा, ठीक से उसका जो है नियंत्रित किया जाएगा और ठीक से पाचन प्रक्रिया संभव हो सकेगा। तो ए और बी, 83 का सही ऑप्शन है ए और बी। आहार नल के स्तर में मांसपेशियां होती हैं जो भोजन को आगे बढ़ाने के लिए लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है। ये सही है लेकिन क्रमाकुंचन गति क्यों होती है? ये तो तथ्य सही है लेकिन 83 का सही आंसर नहीं है। 83 का सही आंसर ए और बी है, 83 का सही आंसर ए और बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द फूड गोज फ्रॉम द माउथ? मुंह से खाना कहां जाता है? मुख से खाना कहां जाता है? तो मुख से खाना जाता है ओसोफेगस और ओसोफेगस से जाता है स्टमक। तो फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। 84 का सही ऑप्शन है ए। मुंह से खाना कहां जाता है? तो भोजन को आहार नाल के माध्यम से अमाशय ले जाया जाता है। 84 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन ये है आपका, ये है आपका आहार नल मुख से, ये मुख से आपका खाना, ये फूड पाइप या ओसोफेगस में जाता है, ये है आपका आहार नल और आहार नल से फिर ये आपके अमाशय में या स्टमक में जाता है। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टमक में। मुख माउथ खत्म हो गया, ओसोफेगस से खाना पहुंच गया स्टमक में। अब चलते हैं हम लोग स्टमक की अमाशय की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्टमक का कि ओसोफेगस से, ये जो आपका ओसोफेगस है आहार नल है, इससे खाना जो है नीचे की तरफ अमाशय की तरफ ये जा रहा है। तो हम लोग अब स्टमक यानी अमाशय हमारा अगला स्टेशन है। तो जब हम लोग अमाशय की बात करेंगे तो ये है आपका अमाशय। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओसोफेगस की तरह, इसकी संरचना जो है ओसोफेगस की तरह ही है। इसमें भी मसल लेयर होते हैं, माने पेशी भित्ति होते हैं, काफी लेयर होता है। और इसमें एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस लेयर। ये देखिए ये है आपका म्यूकस लेयर, ये श्लेष्मा का परत होता है। अब ये श्लेष्मा का परत ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग खाना के बारे में सुनेंगे, श्लेष्मा का परत जैसे ही खाना के बारे में सुनेंगे तो गैस्ट्रिक एसिड निकलने लगता है, ठीक है। तो स्टमक के पेश अमाशय के भित्ति में, स्टमक के वॉल्स में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये देखिए ये स्टमक का जो आप देख रहे हैं सामने में, इसका भित्ति है, अमाशय का भित्ति है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो है आपका गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। ये गैस्ट्रिक एसिड निकल रहा है, म्यूकस है, श्लेष्मा जो है, ये देखिए एसिड निकल रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड निकल रहा है। तो म्यूकस जो है, श्लेष्मा जो है, ये गैस्ट्रिक एसिड से अमाशय को बचाता है। अब देखिए ये गैस्ट्रिक, हरा हरा जो भाग देख रहे हैं ये है आपका गैस्ट्रिक एसिड,
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो है, ये गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक अम्ल जो है स्रावित करती है। और गैस्ट्रिक एसिड भी इनवॉलेंट्री है, जहां आप खाना को सूंघेंगे या खाना को देखेंगे या मसाला देखेंगे, है ना, तो आपका जो पेट जो है, स्टमक जो है, स्ट्रेच कर जाएगा, फैल जाएगा, और ये गैस्ट्रिक एसिड जो है वो निकलना चालू हो जाएगा, सिक्रीशन चालू हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड का स्राव चालू हो जाएगा। 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रतिदिन निकलता है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में गैस्ट्रिक जो जूस है 1 से 2 लीटर निकलता है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओसोफेगस में, यानी आहार नल से, ये आहार नल से खाना अमाशय में गया। अब अमाशय में तो श्लेष्मा है, म्यूकस है, जो कि एसिड से बता दे, एसिड से स्टमक को बचाने के लिए श्लेष्मा है, उसका कवरिंग है, नंबर एक। नंबर दो, पूरा आहार नल का खाना स्टमक में तो एक साथ जाता नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ये आहार नल, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिड चला जा सकता है ओसोफेगस में भी। तो इसके लिए कुछ तरीका है? हाँ, तरीका है। देखिए, अमाशय का भित्ति देखिए, ये देखिए, आप जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस जो स्टमक में आता है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, ये देखिए, ये है ओपनिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में स्फिंक्टर करते हैं और हिंदी में अवरोध नहीं करते, देख रहे हैं, ओसोफेगस से ये खाना निकल रहा है। फिर से देखिए, ये ओसोफेगस से, है ना, ओसोफेगस से स्टमक में खाना निकल रहा है। अब देखिए कैसे खाना निकलेगा, बारी बारी से छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं, एक टुकड़ा निकला, दूसरा टुकड़ा ये निकला, तो इसको रेगुलेट करता है, जो रेगुलेट करता है उसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर, इसको कहते हैं हम लोग अवरोधनी। अवरोधनी का फायदा क्या है कि ये जो स्टमक में, अमाशय में जो आपका गैस्ट्रिक एसिड है वो कहीं ओसोफेगस में ना चला जाए, ये भी इसका फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि ये समय समय पे ही, है ना, नियमित रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेट करता है कि कितना फूड को हम लोग स्टमक में भेजें। अब आपके जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, हम लोग जो गैस्ट्रिक रस की बात करते हैं, इसमें चार चीज होता है, इसमें होता है चार चीज। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है एक एंजाइम जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं, तीसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम लोग आंतरिक कारक कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और चौथा होता है लाइपेज। ये लाइपेज करती क्या है, ये फैट का, वसा का पाचन करती है। दिस लाइपेज इज यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अब आपके एक और चीज देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, एंजाइम पेप्सिन है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, लेकिन स्टमक में बहुत सारे खाना के साथ बैक्टीरिया भी आ जाता है। देखिए, स्टमक में, अमाशय में खाना के साथ बहुत सारा बैक्टीरिया भी आ जाता है, तो इस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देती है, माने बैक्टीरिया को HCl इस पर एक्ट की, और देखिए जो भी बैक्टीरिया जो आपके हानिकारक है उसको ये किल कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि HCl जो है क्या करती है कि जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है जो अमाशय के भित्ति में रहती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एलिमेंट निकलता है जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं, ये पेप्सिनोजेन को HCl क्या करती है, HCl देखिए, HCl पेप्सिनोजेन में अटैक की और कन्वर्ट हो गया ये पेप्सिन में, HCl जो है पेप्सिनोजोन पे अटैक कर गई और कन्वर्ट हो गया ये पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन जो है ये जो है प्रोटीन को तोड़ देती है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। तो HCl ऑल्सो कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड व्हेन HCl एक्ट्स अपॉन पेप्सिनोजेन
इट इज कन्वर्टेड इंटू पेप्सिन एंड पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इंटू स्टमक इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू बी अब्सॉर्ब बाय द स्टमक। तो HCl एक तो बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिनोजन नाम का एक तत्व निकलता है और पेप्सिनोजन पे जब HCl मिलती है तो HCl उसको परिवर्तित कर देती है पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करती है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देती है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 85 ऑनवर्ड्स करते हैं। अब हम लोग पेट की बात करें, अमाशय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टमक। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। सही है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ये भी सही है, हम लोग देख चुके। द डाइजेशन इन स्टमक इज डन बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये भी सही है। तो 85 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन अमाशय के लिए सही है। अमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैलता है। देखिए अमाशय में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं रोग, है ना, रुगे, सॉरी माफ कीजिएगा, अमाशय में एक संरचना मिलेगा जिसको हम लोग रुगे कहते हैं, रुगे। तो रुगे क्या होता है, रुगे के कारण जैसे ही उसमें खाना आता है स्टमक जो है फैलता है। तो अमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैलता है, सही है, रुगे के कारण। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ अच्छी तरह मिलाने में मदद करती है। ए भी सही है, बी भी सही है। अमाशय में पाचन जठर ग्रंथियां द्वारा किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा या जठर ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। तो 85 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प ऑल द ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यह है आपका अमाशय यानी पेट या स्टमक और यह है आपका रुगे। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये है रुगे, इसी के कारण, रुगे के कारण ही आपका अमाशय फैलता है जब खाना आता है। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट। इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जठर ग्रंथियां कहां मौजूद होती हैं, तो अमाशय की भित्ति में। अभी हम लोग देखें वीडियो के माध्यम से कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां होते हैं, इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। 86 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक। अमाशय में जठर ग्रंथियां क्या कार्य करती है, तो भैया दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखें, दे रिलीज पेप्सिन, देखें हम लोग, दे रिलीज म्यूकस। तो सही आंसर 87 ऑल द ऑप्शंस। अमाशय में जठर ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं, वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करते हैं, सही है, वे पेप्सिन का श्रावण करते हैं, वे श्लेष्मा का श्रावण करते हैं। तो 87 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन स्टमक। अमाशय में पेप्सिन का क्या कार्य है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल में, पेप्टाइड्स में ये तोड़ देती है, विघटित कर देती है, डिसइंटीग्रेट कर देती है। 88 का ए, अमाशय में पेप्सिन का क्या कार्य है, ये प्रोटीन को छोटे पेप्साइड्स में तोड़ देता है। 88 का सही ऑप्शन है ए, 88 का सही ऑप्शन है ए, है ना। पेप्सिन जो है इसको हम लोग एंडो पेप्टिडेज कहते हैं और प्रोटीन को छोटे छोटे ये पेप्टाइड्स में, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्साइड्स में ये तोड़ देती है। ये गैस्ट्रिक सेल में, अमाशय के गैस्ट्रिक जठर कोशिकाओं में इसका स्राव होता है और इसको हम लोग जो है, इसमें पेप्सिन में एक कैटलिस्ट होता है, एक उत्प्रेरक होता है जिसको हम लोग एस्पर्टेट कहते हैं। पेप्सिन में एक कैटलिस्ट होता है, एक उत्प्रेरक होता है जिसको हम लोग एस्पर्टेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ प्रोटीएसिस। प्रोटियोटिक एंजाइम या प्रोटीज क्या है, तो
तो दे आर एंजाइम्स डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो 89 का सही ऑप्शन है ए, 89 का सही ऑप्शन है ए, है ना। प्रोटोलिटिक एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं। ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं या प्रोटीज जिसको कहते हैं, ये जंतु में मिलेंगे, आपको प्लांट्स में भी मिलेंगे, फंजाई में मिलेंगे और बैक्टीरिया में भी मिलेंगे, है ना। तो वेयर आर प्रोटीएसेस फाउंड, दे आर फाउंड इन एनिमल्स प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया। 90 का है डी, प्रोटीज कहां पाए जाते हैं, पशु में मिल जाते हैं, पौधों में मिल जाते हैं, कवक जीवाणु सब जगह ये मिलते हैं। तो 90 का याद रखिएगा सही ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीएसेस आर फाउंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीज मानव पाचन तंत्र में पाया जाता है। प्रोटीज का मतलब जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं। तो पेप्सिन भी मिलता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपका काइमोट्रिप्सिन भी मिलता है और ट्राइसिन भी मिलता है। तो 91 का सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीज मानव पाचन तंत्र में पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है और ट्राइसिन पाया जाता है, यानी सभी विकल्प। 91 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 91 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन पेप्सिन, माने जो पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ती है तो उसके लिए कोई उत्प्रेरक होगा ना, कोई कैटलिस्ट होगा, कौन सा कैटलिस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक पेप्सिन में मौजूद है, हम लोग बात कर चुके थे पहले, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट। 92 का सही ऑप्शन है सी, एस्पार्टेट, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है। हम लोग डिस्कशन अभी किए थे कि हाउ पेप्सिनोजेन, यानी पेप्सिनोजेन का गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, जठर ग्रंथियों से ये स्रावित होता है। तो हाउ पेप्सिनोजेन एक्टिवेट्स टू बिकम पेप्सिन, पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनने के लिए कैसे सक्रिय हो जाता है। जब पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो इट कन्वर्ट्स एंड बिकम पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देती है या विघटित कर देती है। तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनने के लिए कैसे सक्रिय होता है, जब पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिश्रित होता है। तो 93 का सही ऑप्शन है ए, 93 का सही ऑप्शन है ए, है ना। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड पेप्सिन इन 1836, पेप्सिन को की खोज सबसे पहले 1836 में किसने की थी, तो थियोडोर स्वान ने, थियोडोर स्वान ने। 94 का सही ऑप्शन है ए, 94 का सही ऑप्शन है ए, है ना। एक ग्रीक वर्ड है पेप्सिस, पेप्सिस का मतलब होता है डाइजेशन, पचना। तो ये जो है चूंकि ये प्रोटीन को पचाने में काम आती है इसीलिए इसका नाम पड़ गया पेप्सिन, ग्रीक वर्ड पेप्सिस। 95, हु ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ पेप्सिनोजन एंड HCl फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग व्हेन फूड इज इंजेस्टेड, जैसे ही आपको भोजन आप ग्रहण करते हैं तो पेट की परत से पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव या उसकी स्राव को कौन उत्तेजित करता है। मैं जैसे ही आप खाना खाएं तो स्टमक के परत से, स्टमक के लेयर से, पेट की परत से, अमाशय की परत से पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का स्राव चालू हो जाता है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। तो ए हार्मोन गैस्ट्रीन और बी है वेग नर्व। वेग नर्व मतलब इंडिकेट करती, ऑर्डर करती है कि भैया खाना आने वाला है, है ना। हार्मोन गैस्ट्रीन और वेगस तंत्रिका। 95 का सही ऑप्शन है ए और बी, 95 का सही ऑप्शन है, 95 का सही ऑप्शन है ए और बी। ये है आपका, ये है आपका वेगस नर्व, ये है आपका वेगस नर्व। इन विच मीडियम पेप्सिन इज एक्टिव, क्वेश्चन नंबर 96, पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय है, कैसा माध्यम चाहिए।
तो पेप्सिन तभी काम करेगा जब आपका खाद्य पदार्थ का माध्यम एसिडिक हो, अम्लीय हो, है ना। इन विच मीडियम पेप्सिन इज एक्टिव, हम लोग स्टमक में देखे कि किस माध्यम में पेप्सिन तभी काम करेगा, प्रोटीन को तभी तोड़ेगा जब आपका माध्यम एसिडिक हो। 96 का है सही ऑप्शन ए, अम्लीय माध्यम। व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज ऑफ फॉर पेप्सिन टू बिकम एक्टिव। पेप्सिन को सक्रिय होने के लिए आदर्श पीएच श्रेणी क्या है, तो पीएच 1.5 to 2.5, पीएच 1.5 से लेकर 2.5 तक। 97 का सही ऑप्शन है ए। 98, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, एक तो आप देखिएगा जीवाणु को, हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक काम है स्टमक के बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट कर देना, नंबर एक। अब इस ऑप्शन में से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, तो वो है क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अभी हम लोग देखें कि पेप्सिन जो है 1.5 से लेकर 2.5 में ही काम करेगी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, उस माध्यम को एसिडिक बना देती है, अम्लीय बना देती है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है, तो एक अम्लीय माध्यम तैयार करना जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। 98 का सही ऑप्शन है डी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस। हम लोग देखे कि श्लेष्म भी आपका, श्लेष्मा भी आपके स्टमक में साबित होता है, राइट। तो इसका काम क्या है, यदि श्लेष्मा नहीं रहेगा तो जो आंतरिक स्तर है स्टमक का, है जो इनर लाइनिंग है स्टमक का, आमाशय का, वो जल जाएगा। तो द फंक्शन ऑफ द म्यूकस इज इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। श्लेष्मा समान परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है। 99 का है ए। 99 का है ये है श्लेष्मा, यही है म्यूकस, और ये पेट का जो आंतरिक स्तर है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, उसको ये सेफ रखता है। ये ग्रीन देख रहे हैं एसिड से, नहीं तो जल जाएगा। अब देखिए, हम लोग अब देखे थे डायग्राम डिस्क्रिप्शन में इंस्फिंस्टर अवरोधनी, है ना, अवरोधनी जो कि रेगुलेट करती है कितना खाना जो है इसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 उसी पे है। व्हाट आर इंस्फिंस्टर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड मसल्स, हाँ एक विशेष मांसपेशी है ये। दे आर स्पेशल सर्कुलर मसल्स डेट ओपन एंड क्लोज सर्टेन बॉडी पार्ट्स। किसी भी चीज को आवाजावई के लिए एक तरह से गेट कीपर का काम करती है, तो दे आर स्पेशल सर्कुलर मसल्स डेट ओपन एंड क्लोज सर्टेन बॉडी पार्ट्स, बी भी सही है। द इंस्फिंक्टर रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ सम टाइप ऑफ फ्लूइड सच एज बाइल, बाइल को भी जाने आने में रोकती है या रेगुलेट करती है, यूरिन और फीकल मैटर, सी भी सही है। ये हिंदी में अवरोधनी, इंस्फिंक्टर्स को हम लोग हिंदी में अवरोधनी कहते हैं। अवरोधनी क्या है, ये विशेष मांसपेशियां हैं, ये विशेष गोलाकार मांसपेशियां हैं जो शरीर के कुछ हिस्सों को खोलती और बंद करती है, ये सही है। अवरोधनी कुछ प्रकार के तरल पदार्थ जैसे पित्त, मूत्र या वर्ज्य पदार्थ के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो 100 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 100 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। यही है आपका अवरोधनी, ये देखिए आपको सब जगह मिलेगा, ये आपको खाना जो है आमाशय में जाने के लिए, तो बहुत जगह आपको ये गुदा तक आपको अवरोधनी स्पिस्टर्स मिलता है। तो वेयर आर इन स्पिस्टर्स लोकेटेड, तो 101 का है डी, ऑल द ऑप्शंस, है ना। ये इंस्फिंक्टर अवरोधनी कब डैमेज हो जाता है, ये डैमेज भी होता है, तो हाउ कैन एनल इंस्फिंक्टर माने गुदा वाला अवरोधनी देखेंगे क्षतिग्रस्त हो जाता है, कब, चाइल्ड बर्थ कॉन्स्टिपेशन के समय होता है डैमेज, यहाँ होता है नर्व डैमेज या बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो इस समय भी होता है, और एनल या रेक्टल सर्जरी, जब एनल सर्जरी कराएंगे तो उस समय भी डैमेज होने का डर होता है।
तो 102 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शन। गुदा अवरोधनी यंत्र कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है, प्रसव में या कब्जियत के कारण, तंत्रिका यदि क्षति हो उसमें, या गुदा मलाशय की सर्जरी। तो 102 का सही ऑप्शन है डी, 102 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस। वेयर डज द फूड गो फ्रॉम स्टमक, भोजन अमाशय से कहां जाता है, तो भोजन अमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, है ना, भोजन अमाशय से छोटी आंत या क्षुद्रांत जाता है। ओसोफेगस स्टमक, स्टमक से ही आती है छोटी आंत या क्षुद्रांत। तो 103 का सही ऑप्शन है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, 103 का सही ऑप्शन है छोटी आंत या क्षुद्रांत, है ना। ये है आपका स्टमक अमाशय, और यहां से ये छोटी आंत, ये देख रहे हैं ये कुंडलित भाग, कॉइल्ड एरिया, यहीं पे ये आपका खाना जो है अमाशय से छोटी आंत क्षुद्रांत में जाता है। अब हम लोग माउथ हो गया, ओसोफेगस आहार नल जो है वो हो गया, अमाशय स्टमक हो गया, अब हम लोग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पे डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग अमाशय से छोटी आंत क्षुद्रांत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब अमाशय में हम लोग अमाशय पेट में देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये आंतरिक कारक इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ ये मिलती है, ये मिलना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे चल के छोटी आंत में यही विटामिन B12 और जो इंटरनल इंट्रेंसिक फैक्टर होता है स्टमक का, आंतरिक कारक जो होता है अमाशय का, दोनों मिलेगी तभी विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षुद्रांत में, नहीं तो फिर विटामिन B12 आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। विटामिन B12 जरूरी क्यों है, एक तो आपके बॉडी नर्व्स को, ये ना शरीर के जो नस है उसको ये तंदुरुस्त रखती है, दूसरा ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाती है, ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाती है यानी इट कीप्स द ब्लड सेल्स हेल्थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपके DNA के निर्माण में काम आता है, इट हेल्प्स मेक DNA। इंट्रिंसिक फैक्टर जो आंतरिक कारक हम लोग स्टमक की बात कर रहे हैं, इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, ये देखिए ये है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज यानी जठर जो लाइपेज कहते हैं, ये गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या है, ये ग्लिसरॉइड को जो है ये मुक्त फैटी एसिड में यानी फ्री फैटी एसिड में मुक्त वसीय अम्ल में ये तोड़ता है, क्योंकि जब तक ये फ्री फैटी एसिड नहीं होगा शरीर इसको अवशोषित जो है बॉडी अवशोषित नहीं कर पाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है आपका स्टमक, ये है आपका जो है अमाशय पेट, यहां पे कुछ खाने का पाचन हुआ, सम डाइजेशन प्रोसेस हैज टेकन प्लेस इन दिस स्टमक। अब देखिए ये है आपका पचा हुआ, कुछ पचा हुआ भोजन, ये सेमी फ्लूइड कंडीशन में रहता है माने अर्ध शुष्क कंडीशन में स्थिति में ये रहती है, ये जो खाना अब इसको जाना है छोटी आंत में, अब इसको जाना है क्षुद्रांत में, और इसको ये जो अपचित भोजन है ना, कहिए पार्टली डाइजेस्टेड फूड, पूरी तरह से पचा हुआ तो नहीं है क्योंकि स्टमक में सारा आपका पाचन क्रिया तो पूरा हुआ नहीं है, तो कुछ आंशिक रूप से जो पाचित भोजन है ना, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, इसको हम लोग कहते हैं चाइम, इसको कहते हैं चाइम, याद रखिएगा। अब चाइम जो है ये अमाशय से ये जाता है छोटी आंत में। अब देखिए ये जो चाइम है आंशिक पचित भोजन या पार्टली डाइजेस्टेड फूड, ये जाएगा अब आपके छोटी आंत में, ये जा रहा है अब ये छोटी आंत में। जब ये क्षुद्रांत में जाता है, क्षुद्रांत में जाने से पहले या छोटी आंत में जाने से पहले या
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये यहाँ से फिर एक ये स्फिंक्टर से इसको गुजरना होता है, एक अवरोधनी से इसको गुजरना होता है। और इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं स्फाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये कुछ ही मिलीमीटर तक ये खुलती है। तो कुछ मिलीमीटर ये खुलेगी, अब ये जो है आंशिक भोजन जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, ये क्षुद्रांत में चली जाती है। क्षुद्रांत में जाने से पहले जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम में पैनक्रिया यानी अग्नाशय से स्राव चालू हो जाता है। देखिए पैनक्रिया से सिक्रीशंस चालू हो गया, देखिए पैनक्रिया से सिक्रीशन जो है चालू हो गया। फिर देख लीजिए इसको कि जैसे ही ये क्षुद्रांत में आंशिक भोजन गया तो ड्यूडेनम में जो आंशिक भोजन है ये है आपका चाइम। तो चाइम में पैनक्रिया से स्राव जो आपके ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम कहते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट को, है ना, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जो भोजन जाता है जो पहला पार्ट है उसी को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम में चाइम पहुंचती है यानी आंशिक भोजन पहुंचती है। और जैसे ही ड्यूडेनम में आंशिक भोजन पहुंचती है तो पैनक्रिया का सिक्रीशन चालू हो जाता है, पैनक्रिया का स्राव चालू हो जाता है। यहाँ पैनक्रियाटिक, देखिए ये पैनक्रिया है, पैनक्रिया यहाँ पे ये आपकी चालू हो जाती है। चलिए जो अपने डिस्कशन के माध्यम से अब हम लोग 104 क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग छोटी आंत में हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं, वे मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन आमाशय से छोटी आंत में भोजन को नियंत्रित करता है? तो ऑब्वियसली स्फिंक्टर मसल हुआ, अवरोधनी मांसपेशी हुआ, है ना। कौन सा मांसपेशी है इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक अवरोधनी, याद रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्फिंक्टर मसल या पाइलोरिक स्फिंक्टर। 104 का सही ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से कौन आमाशय से छोटी आंत में भोजन को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका अवरोधनी मांसपेशी। 104 का सही ऑप्शन है ए, 104 का सही ऑप्शन है ए। यही है आपका यहां से ये आपका स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहां पे आपका है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखिएगा कि जो क्षुद्रांत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आहार नल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है। लेकिन एक और अजीबोगरीब चीज देखिएगा, जो घास खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, उनका इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, है ना, जो मांसाहारी जंतु होते हैं, उनका छोटी आंत कंपैरेटिवली जो है छोटा होता है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 105 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सही है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी घास खाने वाले जंतु हैं उनको लंबी क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। ये भी सही है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये सही है। घास खाने वाले शाकाहारी लोग के जगह होना चाहिए जंतु, इसको चेंज कर दीजिए बच्चों, ये होना चाहिए जंतु, इसको जंतु कर दीजिए, इसको जंतु कर दीजिए। तो घास खाने वाले शाकाहारी जंतु या जानवर को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। ये सही है। मांस
पचने में आसान होता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है, क्षुद्रांत छोटी होती है। सी भी सही है। तो 105 का सही आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस। 105 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए 106 क्वेश्चन नंबर 106। व्हाई हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास एनिमल्स, ये होना चाहिए एनिमल्स, व्हाई हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास एनिमल्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है सेलुलोज को पचाने के लिए? तो 106 का सही ऑप्शन है ए, 106 का सही ऑप्शन है ए, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी आंत की जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स? क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? देखिए खाने का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 107 का सही ऑप्शन ए होगा, 107 का सही ऑप्शन ए होगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द डाइजेशन प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन प्रक्रिया में छोटी आंत की मदद करता है? तो लीवर और पैनक्रियाज, यकृत और अग्न्याशय। तो चलिए जरा इस पे थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के मदद से भी देख लेते हैं। ये है आपका लीवर, ये है आपका लीवर और ये है आपका पैनक्रिया अग्न्याशय। तो चलिए डायग्राम की मदद से हम लोग जरा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए खाना जो है आपके छोटी आंत में आ गया, ये है चाइन। चाइन में क्या है कि अब यहां पे पैनक्रिया अग्न्याशय सक्रिय हो जाती है और अग्न्याशय को सक्रिय होने के लिए क्या होता है कि पैनक्रियाज में अग्न्याशय में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम होता है और ये पाचन एंजाइम, ये जो आपका पाचन एंजाइम है तभी काम कर पाएगा जब पीएच वैल्यू ऊंचा हो, हायर पीएच वैल्यू हो। तो इसके लिए पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशय रस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करती है कि ये जो चाइम है यानी आंशिक जो पचित भोजन है जो अमाशय जो छोटी आंत में क्षुद्रांत में स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है उस पे एक्ट करती है हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और पीएच वैल्यू को चेंज कर देती है 7 से लेके 8 तक। तो अब जो है खाना जो है अब हम लोग डिस्कशन के माध्यम से आगे का क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन? अमाशय से छोटी आंत में आने वाले भोजन की प्रकृति क्या है? तो सही आंसर है ए एसिडिक, सही आंसर है ए अमलीय। 109 का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पैनक्रियाज? अग्न्याशय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ये सही है, ये पेट में स्थित एक अंग है। इट हैज एन एक्सोक्रीन फंक्शन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, इसका एक काम है जो कि पाचन में पैनक्रियाज मदद भी करती है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। इसमें एक एक्सोक्रीन कार्य होता है जो पाचन में मदद करता है। इट हैज एन एंडोक्रीन फंक्शन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, इसमें एक अंतःस्रावी कार होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती है। तो 110 का हो गया सही ऑप्शन डी, ऑल द
ऑप्शंस। 110 का सही ऑप्शन हो गया डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 111, जो पैनक्रिया जो है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि पैनक्रिया से जो जूस निकलता है वो आपको पाचन में काम आता है, ठीक है। तो इसी पे 111 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद पैनक्रियाज एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय बहिसारवी ग्रंथियों से जुड़ा है या एक्सोक्राइन ग्रंथियों से जुड़ा है जिससे कि पाचन होता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये सही है। एमिलेज देखे भी सही है और लाइपेज ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा है एंजाइम अग्नाशय या अग्नाशय एक्सोक्राइन ग्रंथियों या बहिसारवीय ग्रंथियों से जुड़ा है? ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो 111 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट डज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन का पाचन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, 112 का ए। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन को पाचन करती है। व्हाट डज एमिलेज डू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में एमिलेज या एमिलेज का क्या करता है? तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट डज एमिलेज डू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। छोटी आंत में एमिलेज या एमिलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, 113 का बी। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट डज लाइपेज डू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में लाइपेज क्या करता है? तो इट ब्रेक डाउन फैट्स, ये वसा का पाचन करता है, 114 का सी, 114 का सी। लाइपेज हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 113 में एमिलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय एमिलेज। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्यूडेनम। निम्नलिखित में से क्या ग्रहणी के लिए सही है? ये है आपका जो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छुद्रान का जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्यूडेनम। इट इज अ 25-38 सेंटीमीटर सी शेप स्ट्रक्चर लाइंग एडजस्टिंग टू द स्टमक, ये सही है। ये 25-38 सेंटीमीटर सी आकार की संरचना है जो पेट से सटी हुई है, ठीक है। इन ह्यूमंस इट इज अ हॉलो जॉइंटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्टमक टू द जेजुनम। मनुष्यों में ये खोखली जोड़ वाली नली होती है जो पेट को जेजुनम से जोड़ती है। तो बी भी सही है, बी भी आपका सही है। इट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन मोस्ट हायर वर्टिब्रेट्स। ग्रहणी अधिकांश उच्चतर कशेरुकी प्राणियों के क्षुद्रांत का प्रथम भाग होता है। तो ये सी भी सही ऑप्शन है। 115 का सही ऑप्शन है डी, 115 का सही ऑप्शन है, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। 115 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। अब क्वेश्चन है कि ड्यूडेनम हम लोग को कहां कहां मिलता है, वेयर डू वी फाइंड ड्यूडेनम, हमें ग्रहणी कहां मिलती है? तो मैमल्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है। ग्रहणी हम लोग को स्तनधारी मिलता है, सरीसृप में मिलता है और पंछी में मिलता है। तो 116 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। 116 का सही ऑप्शन है
ए मैमल्स यानी स्तनधारी, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप और बर्ड्स यानी पक्षी। ए बी सी में आपको ड्यूडेनम या ग्रहणी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 117, जो अमाशय में जो भोजन होता है वो एसिटिक होता है, अम्लीय होता है, लेकिन जब ये अमाशय में, अमाशय की भोजन, स्टमक का फूड जो है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जब ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, क्षुद्रांत में आता है, छोटी आंत में आता है, तो उसको अल्कलाइन क्यों बनाया जाता है? यही है क्वेश्चन नंबर 117। Why acidic food coming from the stomach has to be made alkaline so that pancreatic enzymes can act, ताकि अग्नाशयी एंजाइम उस पर कार्य कर सके। तो 117 का है सही ऑप्शन ए। अब जो है कि जो अमाशय से, स्टमक से जो फूड आता है एसिडिक होता है, लेकिन उसको एल्कलाइन बनाना पड़ता है, उसको जो है आपको क्षारीय बनाना पड़ता है, तो नहीं तो फिर पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय से जो रस है वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसी पे 118 है कि हु कन्वर्ट्स एसिडिक फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू एल्कलाइन, छोटी आंत में अम्लीय भोजन को क्षारीय में कौन बदलता है? तो बाइल, जूस, पीत, रस। 118 का सही ऑप्शन है ए, बाइल जूस, जो कि आपको लीवर से, यकृत से मिलता है, वो आपको जो है एसिडिक फूड को एल्कलाइन में, क्षारीय में बदलता है। 119, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट फैक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में वसा पर एंजाइमों का कार्य करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जो फैट्स, जो वसा छोटी आंत में मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स मिलता है, वो बड़े बड़े गोलिकाओं में मौजूद होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। तो 119 का, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। 19 का सही ऑप्शन है ए, छोटी आंत में वसा पे एंजाइमों का कार्य करना कठिन क्यों होता है? ये बड़ी गोलिकाओं के रूप में मौजूद होते हैं। 119 का है ए। अब सवाल उठता है कि फैट्स जो बड़े बड़े गोलिकाओं में होते हैं, उसको छोटी छोटी भाग में, छोटी छोटी गोलिकाओं में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कौन चेंज करता है? हु ब्रेक्स द फैट इंटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स? तो सही आंसर है बाइल सॉल्ट्स। कौन छोटी आंत में वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है? तो वो है आपका पीत लवण। 120 का सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अब चलते हैं 121 कि जो छोटी आंत में हम लोग देख रहे हैं उसमें जो है पाचक रस होते हैं, है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो आपका गैस्ट्रिक जूस है ना, आपका जो है आपका जो जूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो पाचक रस होता है वो कौन सा रस होता है? तो वो होता है सुकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस। तो 121 का है सी, 121 का है सी। अदरवाइज जो डाइजेस्टिव जूस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो आपका मानव पाचन तंत्र में है, वो है आपका सलीवा, मुख में। गैस्ट्रिक जूस हम लोग देखे कि वो गैस्ट्रिक जूस भी होता है, पैनक्रियाटिक जूस भी होता है, और सुकस जो है ये छोटी आंत की जूस होती है, छोटी आंत की रस होती है, पाचन रस होता है। तो 121 का सही ऑप्शन है सी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस? जो हम लोग सकस एंट्रिकस के बारे में बात किए, ये इंटेस्टाइनल जूस है, इसका कार्य क्या है? यही क्वेश्चन नंबर 122 है। इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स, आपका इंटेस्टाइनल जूस ही है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो 122 का सही ऑप्शन है डी। आंत रस का क्या कार्य है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है,
जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो 122 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 122 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। वेयर आर विली प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र में विली दीर्घरोम कहाँ मौजूद होता है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो होता है छोटी आंत में। वेयर आर विली प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, विली आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मानव पाचन तंत्र में विली, जिसको हिंदी में हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, कहाँ मौजूद होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये है आपका विली। चलिए हम लोग जरा विली पे जो है डिस्कशन करते हैं, विली के बारे में हम लोग देख। देखिए ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये काफी कॉइल्ड है, समझ गए? ये काफी जो है कुंडलित है। कुंडलित इसलिए है क्योंकि सरफेस एरिया जा कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूर्ण रूप से पाचन कार्य आपके जो है छोटी आंत में ही होता है। इसलिए कुंडलित करने से क्या होगा कि भोजन के अवशोषण में सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मीट दिस रीजन इज कॉइल्ड बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मींस मोर एंड मोर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब देखिए छोटी आंत में आप देखिएगा कि अंदर की भाग, ये देखिए, ये देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसी को कहते हैं हम लोग विली। और ये क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिकाएं हैं। ये विली को देखिए, रुधिर वाहिकाएं हैं, है ना? ये ब्लड वेसल्स जो है, रुधिर वाहिकाएं, जो खाना जो अवशोषित हो जाता है, फूड जो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो यही ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में जो है खाना जाता है, ताकि उससे ऊर्जा लिया जा सके, एनर्जी लिया सके। माइंड कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लूकोज को कोई वाहक नहीं चाहिए। ग्लूकोज जो है डायरेक्टली आपका जो है शरीर के विभिन्न अंग में जाता है, लेकिन बाकी जो है आपको बाकी जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको आपको विली की जरूरत पड़ेगी। फिर से क्वेश्चन को हम लोग रिज्यूम करते हैं। वेयर आर विली प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मानव पाचन तंत्र में विली दीर्घरोम कहां मौजूद होते हैं? छोटी आंत में। तो 123 का सही ऑप्शन है बी, 123 का सही ऑप्शन है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। व्हाट हैपेंस टू द डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का क्या होता है? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ये आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होता है। तो 124 का सही ऑप्शन है ए। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर विली, हम लोग अभी विली हिंदी में इसको दीर्घरोम भी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 यही है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घरोम विली के लिए सही है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, ये क्षुद्रांत में आंतरिक आस्तर में मौजूद होता है। इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये एक उंगली जैसा प्रवर्ध है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो 125 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 125 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, दीर्घरोम विली का क्या कार्य है? द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, विली में ब्लड वेसल्स होता है और जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है उसको हरे शरीर के हरेक अंग में, हरेक कोशिकाओं में, हरेक सेल में इसको भेजा जाता है। तो 126 का ए, दीर्घरोम विली का क्या कार्य है? इनमें रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं।
तो 126 का सही ऑप्शन है ए, 126 का सही ऑप्शन है ए। चलिए वन यही है आपका विली दीर्घरोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्ब बॉडी इन द बॉडी, एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी। अब जो है विली या दीर्घरोम के माध्यम से पूरे शरीर में आपका फूड प्रोडक्ट चला गया है कि नहीं। अब जो एब्जॉर्ब फूड है, जो अवशोषित भोजन है, इसका क्या कार्य है? तो इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सही है। इट इज यूटिलाइज फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज, इसका उपयोग नए उत्तकों के निर्माण के लिए किया जाता है, यह भी सही है। इट इज यूटिलाइज फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, इसका उपयोग पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। तो 127 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 127 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। व्हाट हैपेंस टू द अनअब्सॉर्ब्ड फूड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बाद जो भोजन अवशोषित नहीं होते हैं, अनअवशोषित भोजन का क्या होता है? द फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, भोजन बृहद आंत्र में जाता है। तो 128 का है सही ऑप्शन ए। अब देखिए जो ये है आपका छोटी आंत, जो भोजन अवशोषित नहीं होते हैं, अपचित भोजन, अनअब्सॉर्ब्ड बॉडी, अनडाइजेस्टेड फूड, ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो रेक्टम से जुड़ा होता है, चली जाती है बड़ी आंत में चली जाती है। तो 129, व्हाट हैपेंस टू द अनअब्सॉर्ब्ड बॉडी इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में अनअवशोषित भोजन का क्या होता है? द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसका जो पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? जो फूड प्रोडक्ट होता है अनएब्जॉर्ब फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हार्ड हो जाता है ना। तो बड़ी आंत में अनअवशोषित भोजन का क्या होता है? बड़ी आंत की दीवारें अपचित भोजन से पानी को अवशोषित करती है, इससे क्या होता है? जो खाद अवशिष्ट उत्पाद है वो सख्त हो जाते हैं। तो 129 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स एग्जिट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनस। अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पहुंच जाती है, तो रेक्टम पे ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुदा से अवशिष्ट उत्पाद के बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। तो हम लोग इन्फिनिस्टर की बात किए थे, तो एनल, इन्फिनिस्टर या गुदा अवरोधनी। तो 130 का सही ऑप्शन है डी, 130 का सही ऑप्शन है आपका डी। तो इसके साथ ही बच्चों ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, और उसका जो भी प्रोसेस है बीपीएससी लेवल तक, वो सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। रिवाइज करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अब की बार 140 के पार। थैंक यू।